Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before, the summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me, hoping that one day I'd be your everything. Talking to a tree, girl, I just wanna be your everything. तो दोस्तों फाइनली मैंने मॉर्निंग का अपना वर्क खत्म कर दिया है और अभी मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज मी दीपू नेगी, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेके, जिसके अंदर की दोस्तों हम अपना डेली वर्क ही दिखाएंगे आप सभी को। तो दोस्तों बने रहिएगा दीपू नेगी के साथ और हमारे आज के व्लॉग को अपना ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों करते इस वीडियो को शुरू। दोस्तों चलिए, तो दोस्तों अभी हमें जाना है अपने गांव के सबसे ऊपर छोर तक, जहां का नाम है पानो, क्योंकि वहां पर हमें कुछ काम है। बाकी बातें आगे करते, तो जाने से पहले हमारे जो छोटे छोटे से खरगोश है उनको राशन पानी दे देते हैं ताकि वो भी भूखे ना मर सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी से उनको राशन दे देते हैं। भूख लग गया तेरे को तो बाहर आके खा रही है जो खाना। भूख लग गया बोलती। चल फिर चलो लो तुम्हारा राशन ले जाओ, लो खाते रहो अब मजे से। तो दोस्तों अभी हमने घर का सारा काम फिनिश कर दिया, खरगोश को राशन भी दे दिया है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से ऊपर पनवों की तरफ। तो ये अभी देख सकते हैं आप, मैं खेत के बीच से होके निकल रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मटर बन के रेडी हो चुके हैं, तो उनको भी निकालना है, वो काम हम शाम को करेंगे। तो अभी जल्दी से ऊपर के लिए चलते हैं। तो दोस्तों कोविड के चलते हुए काफ़ी परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों हम घर से बाहर बिना मास्क लगाए हुए भी नहीं निकल सकते। अभी तो यहाँ मैं सुनसान एरिया में हूँ, तो इस वजह से मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो आप लोग भी मास्क लगा के रखिए और अपने हाथ सैनिटाइज़र करते रहिए, क्योंकि दोस्तों COVID-19 एक ऐसी महामारी है जिससे हमें बच के निकलना है। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा कुछ अनहोनी हमारे साथ हो जाता है तो उसको झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव से काफ़ी ऊपर। ये जो नीचे आपको गांव दिख रहा है ये है मेरा गांव, छोटा सा। तो अभी इसके ऊपर अभी एक गांव और है और वहां से भी ऊपर एक गांव और है, वहां मुझे जाना है। तो चलिए दोस्तों ले चलता हूं आपको पानों की वादियों में। तो दोस्तों ये हमारे गाँव की पहली चढ़ाई थी जो कि आपने सीढ़ियाँ देखी। तो दोस्तों ये सीढ़ियाँ 242 की 43 सीढ़ियों के आसपास है, मुझे भी एक्यूरेट याद नहीं। अगर आपको एक्यूरेट पता करना है तो दोस्तों मेरी ब्रुआ विलेज वाली वीडियो जाके चेक कर लेना, मैं आप लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आज हम इस विलेज को एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि हमें इससे ऊपर वाले गाँव को एक्सप्लोर करना है, तो डायरेक्ट हम ऊपर के लिए निकलते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों अभी हम ब्रुआ के गांव में अंदर एंटर हो चुके हैं और यहां पर मास्क लगाना अनिवार्य है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर जगह जहां पर 5 लोग से अधिक लोग हो वहां पर मास्क लगाना अनिवार्य है, तो इस वजह से हमने मास्क भी लगा दिया है और हम ब्रुआ की गलियों में पहुंच भी चुके हैं। तो अब बस हमारे पास 5-10 मिनट का रास्ता और बचता है और उसके बाद हम डायरेक्ट सीधा पनवो पहुँचेंगे। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो
तो दोस्तों हम फाइनली पानुओ पहुंच चुके हैं और अभी आप लोग देख लीजिए पानुओ के चारों तरफ के काफी खूबसूरत नज़ारे। तो दोस्तों पानुओ से सामने कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है जो कि काफी खूबसूरत है, और ये है सांगला की रोड, देख लीजिए आप। और ये व्यू दोस्तों जो कि काफी अल्टीमेट है। और इसी के साथ दोस्तों ये व्यू देख लीजिए, ये है हमारा बुरुआ का पापो जहाँ पर कि अभी भी बर्फ है, तो वहाँ पर भी हम कुछ दिनों में जाने वाले हैं। और लेफ्ट साइड का व्यू भी देख लीजिए आप जो कि काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अभी मैं घूम रहा हूँ पानुओ की गलियों में, और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही प्यारे हैं। तो अभी बस चलिए हम रास्ते पे और आप भी देख लीजिए। तो दोस्तों पानुओ के काम में मैं इतना बिजी हो चुका था कि मुझे ज्यादा शूट्स लेने का मौका नहीं मिल पाया। मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना शूट लिया, और मैं वो चीजें आप लोग के साथ शेयर भी कर चुका हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोग के साथ एक जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं दीपू नेगी आज के बाद डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर की आप लोग देख पाएंगे मेरी लाइफस्टाइल को, मैं पूरे दिन भर क्या क्या करता हूँ, एक पहाड़ी व्यक्ति पहाड़ में रहकर पूरे दिन भर में लॉकडाउन में क्या क्या करता है, ये सारी चीजें आप लोग देख पाएंगे इस चैनल पर, दीपू नेगी के चैनल पर। तो दोस्तों शाम के 6 या 7 बजे के बीच में आप लोगों को चैनल पर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों अपना ढेर सारा प्यार मेरी डेली ब्लॉगिंग पर जरूर दिखाइएगा। तो दोस्तों मैं दीपू नेगी लेता हूं आप सभी से अलविदा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।